यस डेटा से मैं शुभ्रा राय। 2020 भले ही सबके लिए अच्छा नहीं गया हो या कोरोना की वजह से जो भी हुआ हो उसके वजह से अच्छा नहीं हुआ, बट आपको बता दें जो बॉलीवुड की शादी की बात करें तो यहाँ पे काफी धूमधाम से मनाया गया, जैसे नेहा कक्कर हो, काजल अग्रवाल और भी दो तीन जो शादी है उन हमने देखा है कि काफी धूमधाम से मनाया गया है। आदित्य नारायण जो है उन्होंने भी रोका कर चुकी है और उनका रोका श्वेता अग्रवाल से हुआ जिनको वो पिछले 11 साल से जानते हैं। नेहा कक्कर और आदित्य नारायण को लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहे थे कि उन लोग एक दूसरे को लाइक करते डेट करते करके आदित्य नारायण ने एक फोटो शेयर किया और जिसमें सह परिवार साथ में थे रोका में और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट करके लिखा कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूं तो इसके लिए मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूं। 4 तारीख को अर्णव गोस्वामी जी को अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा और आपको ये भी बता दे कि 4 तारीख पूरा दिन जो वो क्वारंटाइन है जेल का उसी क्वारंटाइन में उनको रखा गया और उनको जो है 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। शिवसेना का अखबार सामना, उसमें उद्धव ठाकरे जी का कुछ बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं किया गया है और ये जो एक्शन है ये लीगली केस पे लिया गया है। पूरे देश भर में महिलाओं के ऊपर और अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति और माधासर्गीय के ऊपर पिछले समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हम जन जागरण कर रहे हैं। जो अत्याचार हो रहे हैं मेरा तो कहना ये है ये सब सरासर गलत है। हम कांग्रेस वाले चाहते हैं ये घटिया चीज मत करो, आप अच्छा इंसान हैं, सबके साथ इंसान के जैसा व्यवहार करो, ये हम लोग चाहते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये सबके ऊपर जो मुजरिम को साथ देते हैं, मुजरिम के साथ में खड़े रहते हैं, ऐसा जम्मू में भी होगा कि जम्मू में एक बच्चे के ऊपर 5-7 दिन अत्याचार करते रहे और बाद में जो अत्याचारी को पकड़ने को पुलिस गए तो उसको वहाँ के मंत्री बीजेपी के, MLA बीजेपी के और बीजेपी का कार्यकर्ता सब लोगों ने मिल के एक मोर्चा निकाला और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहिए ऐसा बताया। महापुरुषों के नाम से बोल बात करके या ऐसा घटिया काम करते हैं और उसको बीजेपी वाले प्रोत्साहन दे रहे खड़े है कांग्रेस पार्टी ऑफिस के सामने। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और यहाँ पे मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकोट जी है, उन्होंने कि ये जो बीजेपी सरकार आने के बाद गर्ल्स पे जो अत्याचार चल रहा है हर दिन, बलात्कार के केस, धर्म परिवर्तन, ये सब केसेस जो है सबसे ज्यादा आए हैं। आइए नजर डालते हैं IPL खबरों पे। 5 नवम्बर को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस है और जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मैच रॉयल चैलेंज बैंगलोर से जीत चुका था और मुंबई इंडियंस अपना पिछला मैच सनराइजर हैदराबाद से हार चुका था। मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को आराम दिया था, माना जा रहा है ये मैच में वो कमबैक कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से सबसे ज्यादा नजर उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और मार्कस स्टोइनिस पे रहेगी और मुंबई इंडियंस से सबसे ज्यादा नजर ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, कारन पोलार्ड और उनके प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पे रहेगी। अजिंक्य क्या रहा ने पिछला मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने अच्छा प्रदर्शन किए थे और मुंबई इंडियंस के खेमे से कारन पोलार्ड ने पिछला मैच अच्छा प्रदर्शन किया था तो मुंबई इंडियंस के खेमे से सबसे ज्यादा नजर कारन पोलार्ड पे रहेगी। ये मैच जो भी जीतेगा वो 10 तारीख को IPL फाइनल खेलेगा और जो भी हारेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा 8 तारीख को। जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर या सनराइज हैदराबाद में से कोई भी एक टीम जो जीतेगा वो उसके साथ क्वालिफायर 2 खेलेगा। IPL खबरों में आप मेरे साथ बने रहिए। यस डाटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी।